बहुत गर्मी है और आप निकल रहे हैं हम नैनीताल के लिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गर्मी बहुत हल्द्वानी में और आज हम निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। हम क्या, मैं निकल रहा हूँ क्योंकि आज मेरे साथ मेरी वाइफ नहीं है। आ गए हम नैनीताल रोड में। आप देख रहे होंगे मेरे सामने काफ़ी अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं और मेरे बगल में ये वॉकवे मॉल। तो अपनी गाड़ी में है तेल अभी कम, तो भराते हैं यहाँ से पेट्रोल। तो हमने भरा लिया यहाँ से तेल, चलते हैं यहाँ से। अब सामने व्यू देख सकते हैं कितना सही व्यू आ रहा है। तो आ गए हम काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे। ये स्टेशन आखिरी स्टेशन है उत्तराखंड का, इसके आगे ट्रेन ही नहीं जाती है। ऐसे स्टेशन भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। नैनीताल यहाँ से लगभग ऐसी अप्रॉक्स 30 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। और यह है काठगोदाम का पुल, शीतला माता मंदिर। वैसे अपना घर है तो काफ़ी सही जगह पे। गर्मियों में कम से कम गर्मी लगी तो 20 किलोमीटर ऊपर चले गए पहाड़ों की तरफ, तो मौसम ठंडा। अब देखिए बस सही व्यू आ रहा है। असल में आज बारिश नहीं हुई है पहाड़ों में। और ये है शीतला देवी मंदिर। तो आज हमें जाना है नैनीताल। पिछले वीडियो में देखा होगा हम जाते थे सीधे भीमताल वाली रोड के लिए, पहाड़ों के लिए मेन पहाड़, बट आज हम जाएंगे ऊपर नैनीताल वाली रोड के लिए। जूलीकोट यहाँ से 13 किलोमीटर है। देख रहे हो गाइस कितना गलत जा रहा है ये बाइक वाला। पहाड़ पे ना ओवरटेक नहीं करना चाहिए, एडवर्टाइज की तरह जैसे टीवी में ऐड आता है वैसी सामने से गाड़ी आ जाती है मोड़ पे से। और ट्रक वाले भैया दे दो हमें भी साइड। रुक जा, देखा आपने गाइस, ये होते हैं अपने पहाड़ी ट्रक वाले, अगर रास्ता नहीं है तो मना कर देते हैं कि रुक जा। ये थैंक यू। वो बंदा कितना सही था ट्रक वाला, आपने देखा होगा। सामने कितना सही नज़ारा है और ऊपर बादल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओ भैया रॉक साइड मत आओ, यहाँ पे तो बहुत सही मौसम हो रखा है। आप देख रहे हैं टर्न कितने सही हैं। ये रहा एक और टर्न, पूरा गोल। लेकिन प्लीज गाइस, अगर आप बाहर से आते हैं तो ऐसा मत करिएगा। मैं तो यहीं रहता हूँ, रोज ऊपर नीचे आना जाना रहता है, तो थोड़ा अंदाजा है। हम पहुँच गए हैं दो गांव और ये एक और अभी फुटरेस नीचे टच हो गया था। इतनी भी लीन नहीं करनी है गाड़ी की, नीचे फुटरेस्ट टच हो जाओ और आप बिल्कुल ही टच हो जाओ। अभी थोड़ा सा आगे जाके रुकते हैं। जय हो भगवान जी। गाइस ये देखिए ये कितना सही है। और बाकी आप गाइस देख सकते हैं ये एक छोटा सा झरना जैसा है, पीछे से देखिए आप कितना सही लग रहा है ये। और ये मेरे पीछे से जा रही है रोड, जस्ट रोड के साइड में ये है झरना।
बहुत सही। बने रहिए प्लीज मेरी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसने देख रहे होंगे चाय की दुकान है, उस दुकान से होते हुए मैं यहाँ से ये रास्ते से होते हुए कोने कोने यहाँ पे आया। तो आप आ सकते हैं नैनीताल के लिए। ये जगह पड़ती है जूलीकोट से करीबन 10 किलोमीटर पहले, और जूलीकोट जाते टाइम आपको काफ़ी वाटरफॉल मिल जाएंगे। अभी हम चाय की दुकान पे रुके हैं तो थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं और मिलते हैं थोड़ा आगे चल के। आप देख रहे होंगे गाइस, ये भी एक छोटा सा वाटरफॉल है। यहाँ पे तो मैं उतर के नीचे नहीं जा सकता क्योंकि ये काफ़ी गहरा है। अभी बरसात इतनी चालू नहीं हुई है, अगर बरसात अच्छी तरीके से चालू हो जाती है तो इन वाटरफॉल है, इनमें काफ़ी अच्छा पानी आता है। यहाँ पे देखिए पेड़ों से बिल्कुल अंधेरा हो गया है। हम पहुँच गए हैं जूलीकोट में। ये है जूलीकोट का पेट्रोल पंप। सामने आप मंदिर देख रहे होंगे तो वो है पायलट बाबा का मंदिर, अगर आपको दिख रहा हो कैमरे से। और वो सामने चोटी, वो चोटी है जो बादलों के बीच से घिर गई है। आप चाहें तो यहाँ से सीधे भवाली के लिए भी ले जा सकते हैं। ये रोड भवाली के लिए जा रही है बट हमें नैनीताल यहाँ से ऊपर के लिए जाना है। ओ भाई, मतलब गर्लफ्रेंड को बैठा के इतनी तेज चलाऊंगा, ऐसा मत कर भाई। तो गाइस आप सामने देख रहे होंगे ये जो पहाड़ है, ये नैनीताल वाला ही पहाड़ है। और नीचे घर देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। गाइस प्लीज एक लाइक तो बनता ही है, और प्लीज गाइस सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हो भगवान। हम लोग नैनीताल में आ गए हैं, मौसम सच में बहुत सही हो रहा है। आप देख रहे होंगे गाइस, ये स्कूल के बच्चों ने स्वेटर वगैरह पहन रखे हैं। आप समझ पा रहे होंगे इसी से कि यहाँ पे मौसम कैसा है। सरोवर नगरी नैनीताल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने आने वाला है लेक, नैनीताल लेक। और यहाँ जाड़ों में अगर आप आते हैं जनवरी के टाइम में तो आपको बर्फ़ भी मिल जाएगी। बस ये गाड़ी हटे, सामने लेक है। देख रहे होंगे ये है नैनीताल लेक मेरे ठीक सामने, आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत है। तो हम यहाँ से माल रोड से होते हुए निकलेंगे। यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं देख सकते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है प्यारा सा लेक, नैनीताल लेक। काफ़ी वोटिंग भी हो रही है। और यह है माल रोड। माल रोड शाम के टाइम में करीबन 7-8 बजे के बाद गाड़ियों के लिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट घूमते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी सही लेक है ये, यहाँ पे लोग वोटिंग के लिए भी जा सकते हैं। ये तो अभी नीचे से नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऊपर वहाँ से एक रोड जा रही है वहाँ से दिखाऊंगा आपको वहाँ की। चलिए चलते हैं आगे, पार्किंग में अपनी बाइक लगाते हैं। और साइड में आप शॉप से देख रहे हैं, काफ़ी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट वगैरह और मतलब कैंडल्स वगैरह की शॉप हैं, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। नैनीताल की फेवरेट चीज़ें हैं। और साइकिल भी आप रेंट पे ले सकते हैं यहाँ पे, अगर आप आते हैं तो साइकिल भी आपको रेंट पे मिल जाएगी। साइकिल का रेंट का रेट तो मुझे मालूम नहीं है। अगर आप साइकिल लेके भी घूमना चाहते हैं तो साइकिल लेके भी आप यहाँ घूम सकते हैं। तो हमें जाना है अभी पार्किंग की तरफ, गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में फिर आपको दिखाते हैं। कोशिश कर रहा हूँ गाइस अच्छा अच्छा दिखा पाऊँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना।
तो अभी हम यहाँ पे हो गई है ट्रैफिक भीड़, और अभी हम लगाते हैं यहाँ पे बाइक अपनी पार्किंग में। बाइक की पार्किंग यहाँ नहीं है, वहाँ पार्किंग है ना, तो यहीं पे लगा देता हूँ, दे दूंगा आपको पर्ची के पैसे। बाइक पार्किंग की दिक्कत, और ये कह रहे हैं करके यहाँ पे बाइक पार्क नहीं होगी, देखते हैं ऊपर को कहीं पे लगाने की जगह मिलती है तो। करके यहाँ पे तो पार्किंग की जगह मिली नहीं, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे लगा दिया हमने अपनी बाइक, और काफ़ी पीछे बहुत सारी बाइकें लगी हुई हैं, और मेरे साइड भी देख सकते हैं ऊपर भी काफ़ी बाइकें लगी हुई हैं। तो बाकी हम अभी नीचे को जा रहे हैं, बाइक पार्क कर दी है, और आप आगे चल के आपको दिखाते हैं कि क्या है नैनीताल में ऐसा कुछ। तो चलते हैं अभी नीचे, यहाँ पे बाइक पार्क करने थोड़ा दूर आए थे हम ऊपर। तो मैं हूँ अभी नैनीताल में, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ लगी हुई है लोगों की, और यहाँ पे से वोटिंग की जाती है। वोटिंग का चार्ज ज़्यादा नहीं होता है, बट ऐसी 100-150-200 रुपए के लगभग होता है, और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोग यहाँ वोटिंग करते हैं, आप देखिए। तो इस तरीके से लोग यहाँ से वोटिंग करते हैं, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। वोट की पर्ची कटती है यहाँ पे, और यहाँ से पूरा लेक का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो हम बैठे हैं, आपने देखा यहाँ बैठा इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रहा है, और ऐसे तो फील आप ले नहीं पाएंगे, आप आके खुद ही फील ले सकते हैं, ऐसे कैमरे में तो खैर क्या दिखा पाऊँगा मैं आपको। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर आएँ और देखें, काफ़ी अच्छी जगह है नैनीताल। और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं अलग अलग ड्रेसेस पहन के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ है, ड्रेसेस का अलग अलग चार्ज वगैरह रहता है। तो यहाँ पे मिले हैं हमें सरफराज भाई, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे मेरे पीछे काफ़ी ड्रेस टंगी हुई हैं, इनको पहन के फ़ोटो खिंचवाने का चार्ज लगता है। आइए उनसे मिलते हैं, सरफराज भाई से पूछते हैं। तो सरफराज भाई बताइए क्या चार्ज रहता है इन ड्रेसेस का? ये 150 का फ़ोटो होता है पूरा इतना बड़ा ड्रेस, ये 150 का फ़ोटो चार्ज करते हैं आप, और तरह तरह की ड्रेसेस मिलती हैं, कोई भी ले सकते हैं। और वहाँ की अभी तो काफ़ी टूरिस्ट है यहाँ पे ना, समय तो कम है थोड़ा कम है, अब धीरे धीरे कम ही होते चले जाएंगे जैसे बारिश बढ़ती रहेगी। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। तो गाइस यहाँ पर भी हमें मिल गए एक अरबाज भाई, हमारे सब्सक्राइबर। अरबाज भाई थोड़ा सा चेहरा तो दिखाओ, ये है हमारे सब्सक्राइबर, और इन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर घूमने के लिए, आइए कभी भी आप आते हैं तो ये अरबाज भाई आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जो फोटो सेशन होता है, ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे मिल जाएंगे अरबाज भाई। ठीक है अरबाज भाई, सपोर्ट करना हमारे। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, ये है नैनीताल की मेन मार्केट, जस्ट लेक से लगती हुई है, और हमने सोचा था करके मछलियों को कुछ खिलाएंगे, बट यहाँ पे सख्त मना है करके मछलियों को कुछ खिला नहीं सकते। और वहाँ की आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे, ये मेन मार्केट है, और जस्ट पास में ही मैं आपको दिखाता हूँ एक पार्क भी है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल क्रिकेट वगैरह। और बाकी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे है गुरुद्वारा, जिसका नाम है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, नैनीताल में है। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको गुरुद्वारा मिलेगा, उसके जस्ट बगल में नंदा देवी मंदिर है, और मैं आपको सामने दिखाता हूँ वहाँ पर मस्जिद भी है, और उसके माल रोड की तरफ जाते वक्त एक चर्च भी है, यहाँ पे आपको चारों धर्मों के चारों मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च भी मिल जाएंगे। तो ये है वो सामने मस्जिद, आप देख पा रहे होंगे,
आप बताएं। यहाँ पे आके ले लिए मैंने आइसक्रीम, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे आइसक्रीम का स्टॉल है, और फ़ोन में बैटरी भी ख़त्म है, तो भैया से, भैया की शॉप है तो मैंने भैया से बोला फ़ोन चार्ज पे लगा देंगे, तो भैया ने कहा ठीक है लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये है नैनीताल की मेन मार्केट, यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे आपको, हार्ट ब्रेक, चाइना टाउन, और काफ़ी कपड़ों की शॉप भी है यहाँ पे, और जस्ट बगल में है नंदा देवी मंदिर। तो चलिए आपको नंदा देवी मंदिर दिखाते हैं। और हमें अभी यहाँ तिब्बती मार्केट है उसके अंदर, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक मोमो की शॉप दिखाता हूँ आपको, मोमो वाला बहुत फेवरेट है, एक भैया ये हैं, ये कह रहे हैं हम भी फेवरेट हैं। फेवरेट है भैया, सब फेवरेट है भैया, सब फेवरेट है। तो लिए हमने मोमो, आप देख सकते हैं मैं खा रहा हूँ, काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी मतलब मज़ेदार। सोनम फास्ट फूड करके दुकान का नाम है, मैं दिखा दूंगा आपको, एक नंबर। तो हम निकल रहे हैं, मोमो खाए बहुत टेस्टी थे। ये था नैनीताल, मैंने आपको दिखाया, और अभी रुको चलते हैं पार्किंग की तरफ, और वहाँ की मैं आपको ऊपर वाली रोड से दिखाता हूँ लेक का नज़ारा कैसा दिखता है। तो हम पहुँच गए अपनी बाइक के पास, यहाँ हमने अपनी बाइक पार्क करी थी, ये खड़ी अपनी बाइक, और अब निकलते हैं वहाँ की, आप वीडियो में बने रहे हैं। वहाँ की मैं आपको, ये जो सामने रोड जा रही है राजभवन के लिए, इस रोड से लेक का व्यू बहुत अच्छा आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ की जहाँ हमने पार्किंग पे लगाई थी बाइक, वहाँ से निकल रहे हैं, अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ लेक का। और कभी भी आप आते हैं तो माल रोड से आइए, और ये राजभवन को जो रोड जा रही है, जिस रोड से मैं जा रहा हूँ, आप इसी रोड से आइए, काफ़ी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। इस नज़ारे की मैं बात कर रहा था, ये है पूरा नैनीताल गाइस, और ये रही नीचे झील। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो वहाँ की अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, राजभवन वाली रोड से होते हुए। यहाँ राजभवन वो जगह है जहाँ पे कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी, यहाँ पे जो वो आसमान से वो नहीं आता है स्पेस से वो उतरा था, तो वो इसी रोड में पड़ता है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है ये वाली, और यहाँ को तो ठंडा हो रहा बहुत सही, ओ भाई ठंडा। अब देख सकते हैं जो ये ब्लू कलर की जालियाँ लगा रखी हैं, ये इसलिए लगा रखी हैं क्योंकि यहाँ से सीधे नीचे खाई है, तो ताकि कोई इंसान इधर को ना जा पाए इसलिए लगा रखी हैं। तो ये रास्ता चला जा रहा है राजभवन के लिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई मिल गया पिक्चर की शूटिंग हुई थी, और हमें जाना है यहाँ से नीचे को। इस रोड से हम सीधे नैनीताल वाली रोड पर ही निकलेंगे नीचे, मतलब नैनीताल झील पर ही निकलेंगे, वो हमें माल रोड, वहाँ से जाते तो माल रोड पार करनी पड़ती, लेकिन यहाँ से माल रोड पार नहीं करनी पड़ती है।
तो आप देखिए हम आ गए सीधे नैनीताल रोड में ही, माल रोड रह जाती है उस तरफ। ये रास्ता काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पहले आई लव नैनीताल का भी बोर्ड लिखा हुआ था बट वो हटा दिया। तो ये था गाइस नैनीताल। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताना कैसी लगी। बाकी चलते हैं हम अपने घर के लिए। तो यहाँ से हम अपने घर के लिए निकलते हैं। गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर कोई गलती हो भी रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, भाई तेरी वीडियो में ये गलती है, उसमें भी सुधार करूँगा। ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली राइड में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू जो इतना सपोर्ट दिया और आगे भी देते रहेंगे आप लोग। तो बाय, टाटा।